गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक ब्यूटीफुल डे में फ्रॉम टाबो। मैं था ग्रीन तारा होमस्टे में, इनफैक्ट मैं हूँ ग्रीन तारा होमस्टे में और बहुत ही अच्छी सुबह है, बिल्कुल फ्रेश एयर, ठंड और मैंने भी एक लेयर पहना हुआ है क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली हुई है। फिलहाल मैं गाड़ी का खोलूँगा बोनेट ताकि थोड़ी सी धूप लगे और आगे करता हूँ आपसे थोड़ी और बातें। मैं समर्स में भी आया हूँ, सर्दी में भी आया हूँ। यार समर्स में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है और क्या बताऊँ। तो यार एक लेयर से मैं दो लेयर पे आ गया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सर्दी में फटके हाथ में आ जाए। दो दिन और बिताने हैं अभी स्पीति में। तो अभी दिखा है ऊपर एक जैसे पास पे झंडे लगे होते हैं बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स, वैसे ही वहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं। भाई क्या मैं जा रहा हूँ थोड़ा मॉर्निंग एडवेंचर करने, हाथों में टांगों में खून बहे और थोड़ा सा सर्दी कम लगे और कुछ नहीं। टोपी भी पहन ली है क्योंकि कान में भाई साहब इतनी ठंड लग रही थी ना जैसा कोई हिसाब नहीं। चलो ऊपर चलो। यार पहुंच गए। हाँ तो यार वो देखो वाटर बॉडी जो लेक है यहाँ की ना टाबो की, वो फ्रीज हो चुकी है। जो स्पीति रिवर बह रही है उसमें भी साइड में थोड़ा फ्रीजिंग है और अभी रिवर तो फ्लोइंग स्टेट में है बट वो भी आई थिंक एक महीने बाद फ्रीज हो ही जाएगी। और वो रहे काजा की साइड के पहाड़ जिसमें आएगा अपना हिकिम कॉमिक लांगजा जो आप देखोगे आगे आगे, मतलब आज नहीं हो सकता है आज, वेट करो बताते हैं आपको। हाँ ये ताकि पत्थर आके और पानी आएगा ना ऊपर से, इधर पता ही है। तो यार एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लेने के बाद चल रहे हैं नीचे टाबो में तो है ही, चल रहे हैं नीचे अपने होमस्टे में और फिर आगे बढ़ेंगे काजा की ओर। तो यार टाबो की मॉर्निंग पे लेट्स सी गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। डीजल पंप करेंगे धूप दिखा दी, डीजल पंप हो गया, अब देखते हैं इसमें सेल्फ। गाड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है स्टार्ट होने में। और काफी काफी ज्यादा लंबा सेल्फ लेके गाड़ी स्टार्ट हुई है तीसरी बार में। तो यार ताबो की ठंड में गर्म पानी से नहा के मैं हो चुका हूँ निकलने के रेडी। गाड़ी का आपने देखा उसने तीन बार में सेल्फ स्टार्ट लिया है, लंबे सेल्फ स्टार्ट देने पड़े, काफ़ी सारे सिस्टम फेलियर्स आए बट एक बार गाड़ी चालू हो गई तो अभी सिस्टम फेलियर्स चले गए हैं। अब
निकलते हैं काजा की ओर। और एक रिव्यू यार, ग्रीन टावर होमस्टे बहुत ही सही है, इनका खाना एंड रूम्स आर अमेजिंग, सो इफ़ यू कम टू टाबो दिस इज द प्लेस टू बी। तो यार ये देखो रात की -17 की ठंड ने क्या हाल किया है। ये जो मेरा क्लीनिंग वाला कपड़ा था ये बिल्कुल जम चुका है और ये बर्फ जम चुकी है। कूड़ा मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, कूड़ा मैं फेंकता नहीं हूँ, तो ये सब आप लोग भी फॉलो करो प्लीज़। बॉटल का पानी भी जम चुका है, एवरीथिंग इज फ्रोजन। अब चलते हैं काजा की ओर थ्रू ऑल द सीनिक व्यूज ऑफ लांगजा हिक्किम कॉमिक जो आप देखोगे सून। हमने लिया एक स्टॉप, आधा कॉन्वॉय यहाँ पर है, हम कहीं हैं डांकर मोनेस्ट्री के रास्ते पे। और वैली व्यू देखो कितना अमेजिंग है, हेक्सा इतनी गंदी सही लगती है ऑफ रोड करते हुए। तो अभी हम करेंगे बाकी गाड़ियों का वेट, व्यू बताओ कैसा लग रहा है। अगेन अगर आपको अच्छा लगे व्यू ये व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टू शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। ये विंटर स्पीड ट्रिप काफ़ी टफ हो रही है गाड़ी पे मेरे पे, एंड आई एम डूइंग इट ऑल फॉर माई सेल्फ एंड यू एज वेल। इंस्टा 360 के थोड़े शॉर्ट्स इन्जॉय करो, फिर हम चलते हैं आगे। तो यार जो रास्ता आपने देखा उसके बाद हम आ चुके हैं धांकर मोनेस्ट्री एंड हियर इज द व्यू। आपने देखा अंडर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मॉन्स्ट्री के अंदर का मैंने एंजॉय कर लिया, बाहर का आपने। और अब चलते हैं आगे अपने रूट पे। तो यार एक ब्रेक लिया है हिक्किम की तरफ, हिक्किम के रास्ते की तरफ जाते हुए, और देखो क्या है व्यू यहाँ से। दैट इज काजा। कैसा लग रहा है अब तक? आई होप अमेजिंग लग रहा होगा। दो दिन बाद यहाँ पे बहुत बर्फ होने वाली है 29th को, आज है 27th, 29th को हम यहीं पर हैं। आपको एक व्लॉग में सब वाइट दिखेगा। नाउ
लेट्स हेड टू हिकिम। वेलकम टू हिकिम एंड वो है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। आपने ये पोस्ट ऑफिस बहुत ब्लॉग्स में देखा होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। पोस्ट कार्ड मैं यहाँ से खरीद के ले जाऊँगा, बट इन्जॉय द व्यू। एक बार सारा कन्वॉय अपनी टाइम पास कर ले यहाँ पे, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से आगे लांगजा की ओर। तो गाइस सिक्किम से निकल रहे हैं कॉमिक की ओर। रास्ता है 4 किलोमीटर और 13 मिनट का, तो 20 मिनट लगा लेते हैं, आराम से चलूँगा मैं तो कन्वॉय में। और ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, कॉमिक के बाद होगा लांगजा, लांगजा के बाद आज का स्टे काजा। साथ बने रहो, रास्ता होने वाला है ताबड़तोड़। चलो वेलकम टू कॉमिक। बढ़ते हैं आगे। वेलकम टू लांगजा विलेज। वो है बुद्धा स्टैचू, वो है विलेज का थोड़ा सा पार्ट, छोटा सा, बहुत ही छोटा विलेज है। चलो वहां तक चलते हैं। तो यार मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है लांगजा का बुद्धा स्टैचू, विच स्टैंड्स एट 35 feet tall। आज के लिए कॉमिक हिकिम लांगजा हो गया कवर, और अब चलेंगे अपने होम स्टे काजा में, और कल करेंगे कुछ और धमाल। चलो काजा। यार गाड़ी में फ्यूल एडिटिव डाल लिया है, अभी डीजल भरवाएंगे। ऑलमोस्ट काजा पहुंच चुके हैं, देख लो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। लगे कुछ शॉट्स इंस्टा 360 से भी लिए हैं, व्लॉग्स में आपने देखे होंगे, बताना कैसे लगे। कुछ चेंजेस चाहिए इंस्टा 360 के शॉट्स में, कुछ अलग पर्सपेक्टिव चाहिए व्लॉग्स में, वो बताइए। आई विल मेक श्योर टू एड्रेस दैट इन द अपकमिंग व्लॉग्स।